सो गाइज अभी मैं जो वी का नेबरहुड है ना वहाँ पर पहुंची हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे जो सिंगल मकान है ना वो वाले हैं, तो यहाँ पे सिर्फ अमीर ही लोग रहते हैं। सो ये वाली रोड सीधे वी के घर पे जाती है। इस नेबरहुड में जो कार है ना वो भी काफी महंगी वाली कार है, अमीर लोगों की गाड़ी, वाह महंगी महंगी वाली कार। गाइस क्या पता ये वी की भी कार हो सकती है, मैंने एक वीडियो में वी को ऐसी कार चलाते हुए देखा है। इस नेबरहुड में आके मैं बहुत ही गरीब फील कर रही हूँ। तदान गाइस मैं फाइनली वी के अपार्टमेंट में पहुंच चुकी जो कि है ये वाला, इसका नाम है अल्पेबाउ। और ये रही वो ऊंची सी बिल्डिंग, जो नीचे वाले फ्लैट है ना वो सस्ते हैं और जो ऊपर वाले फ्लैट है ना वो सबसे महंगे, तो मुझे लगता है कि वी उन ऊपर वाले फ्लैट में से इनमें से कोई में से रहता है। ये रहा वो गेट जहाँ से वी अपने मकान के अंदर जाता है और मैं वहाँ पर खड़ी हूँ। क्या पता वी अपने घर पर है या नहीं है। ओह माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड कि मैं जो सेम एयर है ना जो वी ब्रीद करता है वो भी मैं ब्रीद कर रही हूँ। वहाँ पर रहा एक सिक्योरिटी गार्ड जो गेट के सामने खड़ा और मुझे डर लग रहा है तो मैं यहाँ पे साइड में आ गई। किसी की गाड़ी निकाल रहे, पता नहीं शायद वी भी हो सकता है उस कार के अंदर। सो गाइज अभी मैं आपको वी का घर अंदर से दिखाती हूँ। ये वाला जो फुटेज है ना वो मुझे वी के घर की वेबसाइट से मिला है, तो अभी हम उसके घर का टूर करते हैं। सो घर प्रवेश करने के बाद में आती है एक जिम जहाँ पर हमारा प्यारा दुलारा वी अपने डोले शोले बनाता है। उसके बाद में आता है एक बड़ा सारा डाइनिंग रूम। गाइज ये डाइनिंग रूम मेरे पूरे घर से बड़ा है, मतलब कि आई कैन नॉट रिलेट। उसके बाद में आती है क्यूट सी ब्लैक किचन, और ये किचन के बाद में आती है एक और छोटी किचन, मतलब कि बड़ी किचन के बाद में एक मिनी किचन है। मिनी किचन के बाद में आता है छोटा सा गेस्ट रूम, और पता नहीं वी यहाँ पे क्या रखता होगा। गेस्ट रूम के बाद में आता है फर्स्ट बिग बाथरूम, और एक्चुअली वी के घर में है तीन बाथरूम्स। ये है सेकंड वाला बाथरूम, और उसके बाद में है एक छोटा सा तीसरा वाला बाथरूम जो कि है ये वाला। तीसरे छोटे बाथरूम के बाद में आता है एक स्टोरेज रूम। यहाँ पर यूजुअली जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना वो अपने जूते रखते हैं, अपने बैग्स, जो भी कीमती सामान होता है ना वो यूजुअली यहाँ पे रखते हैं। सो बेसिकली वी के घर में है पांच बेडरूम, तीन बाथरूम, दो किचन, एक स्टोरेज रूम, एक बड़ा सारा लिविंग रूम, और ये जो इसका मकान है ना वो है लगभग 35-40 करोड़ रुपए का। सो गाइज जो वी का नेबरहुड है ना वो बहुत ही शांत है, यहाँ पे ज्यादा गाड़ी नहीं है, ज्यादा शोर नहीं है, और काफी हरियाली हरियाली है आसपास। गाइज मैं आपको मेरी फीलिंग बता भी नहीं सकती, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वी से मिलकर आई हूँ। उसका घर देखकर ही मुझे बहुत अच्छा लगा। सो वहाँ पर रहा वी का अपार्टमेंट, और यहाँ पर रहा कन्वीनियंस स्टोर ईमार्ट 24, और मुझे पक्का पता है कि वी यहाँ पर आता होगा कुछ ना कुछ खरीदने के लिए। मुझे भी इस ईमार्ट 24 में जाना है और वहाँ पर रही